तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, माइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, बैकग्राउंड को 15 सेकेंड के आसपास कर देता हूँ। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, इसे आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और लास्ट पॉइंट पे आना है और जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और 1 से 2 बार आपको प्ले कर देख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3.2 या 3.3 पर हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो जाता है। 3.3 पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद 3.3 पे या 3.2 पे आना है, इस वीडियो पर सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो का आई तरफ लेकर आना है और जहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको 8.3 तक आ जाना है। इसके बाद कैची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और वीडियो को फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो का आई तरफ लेकर आना है। इसके बाद 11.1 पे आना है, इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो हमारा वीडियो देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। 2 पे आ चुका हूँ। इसके बाद वीडियो को कुछ इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें सॉन्ग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी सॉन्ग ऐड है। यदि आपका जो वीडियो है उस वीडियो को वॉल्यूम को म्यूट कर देना है। तो मैं दोनों वीडियो को वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे, इसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।